हेलो दोस्तों, अरे मम्मी क्या तू भी यार भाई माइक नहीं तो हाँ वही तो। हेलो दोस्तों, नहीं बोलने दे। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा न्यू चैनल और इस पर हम लोग ब्लॉग डालेंगे और फाइनली हम लोग निकल रहे बैंगलोर को, मूवी इवेंट है, टीजर लॉन्च इवेंट है, तो बस अभी निकल रहे हैं। चलो मैं चलो, 8 बजे की फ्लाइट का रेलवे टिकट है तो जाते हैं। चलो चलो से पैदल आए हम लोग दोस्तों, स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं तो एयरपोर्ट पहुंच गए। अरे चालू है अभी ले तो फाइनली दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी बड़े एयरपोर्ट दिखा नहीं तो लगेगा रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये देखो एयरपोर्ट है दोस्तों, सूरज भाई ने बहुत मेहनत से चला के लाया हमें एयरपोर्ट तक। अरे मैंने बोला कि अभी टाइम है 2 घंटा फ्लाइट को, तो क्यों ना पैदल ही स्टेशन से चलते हैं। घुस जा भोसड़ी, घुस जा तो अभी टाइम है तो थोड़ा जुगाड़ी करके हम लोग पैदल आ गए। अभी देखते हैं क्या है इधर पे, उड़ता है कि उड़ाना पड़ेगा। अरे माइक लगाओ रे, धक्का ही का देना नहीं पड़ेगा ना। मेरा गेट नंबर नहीं दिख रहा है, अच्छा हां इसलिए बोर्डिंग पास निकाल देते हैं। टिकट तो हॉलीवुड मिल गया। हाय विद विजय मालिया। बिजनेस क्लास है फॉर पुअर पीपल। नहीं नहीं हो गया, हुआ हम लोग का मुंह पे रखो, खिड़की खोल के मुंह पे रखो। बस अंकल गाइस गाइस महानगरी वाले साले जनरल डब्बे वाले बैठे इधर भागो सालों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्लेन से बाहर जा रहा हूँ। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ और हवाई जहाज से सफ़र करूँ और दूसरे देशों में जाऊँ, तो उनका सपना पूरा करने आज मैं घर से निकला हूँ। काफ़ी मुश्किलें आई मुझे ज़िंदगी में, लेकिन माँ बाप का साथ था तो मैंने कर दिया। उनके घर, जायदाद, ज़मीन, गाड़ी और खुद के माँ बाप को गिरवी रखा है मैंने, और उनके पैसों से मैं आज घूम रहा हूँ। आज वो काफ़ी खुश होंगे मुझे इस तरह से देख के। तो इससे आप लोग को मैं एक सीख देना चाहता हूँ, कभी भी अपने माँ बाप को निराश मत करना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मिलता हूँ दोस्तों। बैंगलोर और ये देखो पीछे मार्टिन की टीम खड़ी है, लेकिन फिर भी हमको पहचान नहीं रहे, तो हम भी वेट कर रहे कि कब पहचाने या नहीं पहचाने, नहीं तो रिटर्न चले जाएंगे पैदल। और क्या
ले जाओ आप बिजनेस में, आपको कोई पैसा नहीं है। भंडारे से भी मस्त है ना खाना? नहीं भाई, अचार तो मिला ही नहीं। My question is to Anveshi Jain. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। थैंक यू। समझ रहे हो आप? यहाँ की एसी आपने फेल कर दी, आप इतने हॉट नजर आए। एंड हमने अभी टीजर देखा, पता नहीं आपकी एक झलक सबसे अलग और मेरा ध्यान उधर ही रहा। दूसरी बार मैं आपको ही ढूंढ रहा था और मैंने देखा कि आप गैंगस्टर के रोल में हो, तो मेरा सवाल ये कि आपको गैंगस्टर के रोल में गन की जरूरत पड़ी या अखियों से गोली मार दी आपने? वैसे ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ी, बट कुछ लोग थे जिनके ऊपर ये मैजिक काम नहीं कर रहा था, उनके ऊपर गन का यूज करना पड़ा थोड़ा। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आप जैसे गैंगस्टर हो तो मैं गिरफ्तार होने तैयार हूँ अभी। चलिए।